नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। वक्त हो गया है खबरें फटाफट का, आइए शुरू करें। सराज के गांव चापड़ में आग लगने से चार गौशालाएं जलकर राख, चार गौएं भी जिंदा जली। भयंकर उठी लपटों ने सब कुछ किया स्वाह। बिलासपुर शहर में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के किनारे जला कबाड़। अग्निशमन केंद्र की टीम ने बुझाई भयंकर लपटें, बचाई कई रिहायशी मकान। स्वारघाट में पंजाब हिमाचल की सीमा गरा मौड़ा के पास 350 फुट गहरी खाई में गिरा सीमेंट से लदा ट्रक, चालक परिचालक गंभीर रूप से घायल। गगरेट के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल व प्राचीन मंदिर मां भद्रकाली के दरबार में गूंजे माता रानी के जयकारे, स्थानीय दुकानदारों के चेहरों पर भी दिखी रौनक। प्रदेश में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के जरिए होगी वन्य प्राणियों की सही पहचान। भारतीय वन्य प्राणी सर्वेक्षण विभाग सोलन में आणविक पद्धति बद्ध प्रयोगशाला का शुभारंभ। सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांगों की परवरिश में जुटी अध्यापिकाओं में कम सैलरी को लेकर रोष, हरियाणा दिल्ली राज्यों की तर्ज पर मांगी सुविधा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार नौणी विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, छात्र छात्राओं व विश्वविद्यालय स्टाफ को मेडिटेशन योग के जरिए दिया तनाव मुक्त जीवन जीने का ज्ञान। पांवटा साहिब में माइनिंग कार्य के दौरान पत्थर तले पिसा कामगार, मौके पर ही मौत। चूना पत्थर खदान पर काम करते समय पेश आया दर्दनाक हादसा। नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्स सफाई मजदूर यूनियन ने मांगों को लेकर निकाली रोष रैली, मजदूरों की नियुक्ति सफाई आधार पर करने की उठी आवाज। रामपुर बुशहर के कांगल कोटी घाट मार्ग पर सड़क दुर्घटना में शिक्षक की मौत, दो घायल। गहरी खाई में कार लुढ़कने से पेश आया हादसा, घायल IGMC में भर्ती। सोलन में गिरी पेयजल योजना की पाइपलाइन फटने से जोरदार धमाका, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, 100 फुट ऊपर उठा पानी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में किया विशेष बच्चों के ओलंपिक का आगाज, बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर बांधा समा। शक्तिपीठ बजरेश्वरी मंदिर में नवरात्र के छठे दिन लगा श्रद्धालुओं का तांता, लंबी लंबी लाइनों में लगे भक्तों ने लिया माँ का आशीर्वाद। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में सिख अभ्यर्थी को किरपान पहनकर परीक्षा में रोकने के मामले ने पकड़ा तूल, सड़क पर उतर सिख समुदाय ने निकाली रोष रैली। लाहौल स्पीति के उदयपुर से दिल्ली जा रही HRTC की बस में बिगड़ी सवारी की तबीयत, चालक परिचालक ने अस्पताल पहुंचा, बचाई यात्री की जान। रामपुर बुशहर में लापता छात्रा को ढूंढने में पुलिस ने पाई सफलता, पिता ने दर्ज करवाया था मामला। ज्वाली के सिद्धपुर गार्ड के सैनिक राजेंद्र सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, 64 BSF बटालियन में तैनात थे जवान, टांग की नस में सूजन के चलते हुए थे गंभीर बीमार। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।